हेलो दोस्तों, ये 5 इंची एंगल ग्राइंडर है। हम आपको दिखाएंगे 5 इंची एंगल ग्राइंडर का आर्मेचर आप कैसे इजीली ओपन कर सकते हो। पहले मशीन को हम चला के दिखाते हैं, उसका आर्मेचर ख़राब कितना हुआ है आपको देख के पता चल जाएगा। पहले हम सीरीज में टेस्ट कर लिए, उसमें चला के दिखा रहे थे कितना ज़्यादा स्पार्क दे रहा है। तो पहले हम आर्मेचर को ओपन करने के लिए पहले कार्बन कैप ओपन कर लेंगे। जो एक कार्बन कैप है ना, इस CM4 कटिंग मशीन में जो कार्बन कैप लगते हैं वही इसमें सेट होता है, और इसमें कार्बन भी CM4 का ही सेट होता है। इस मशीन में जो स्विच है ना वो अलग टाइप के है। पहले आप आर्मेचर ओपन करने के लिए मशीन को ओपन कर लेते हैं। मशीन में जो छोटे छोटे 4 स्क्रू है उसको हम निकाल लेंगे। देखिए, हम धीरे धीरे करके नट को ओपन कर लेते हैं। ज़्यादा ये मशीन काम में नहीं आते, ये बड़े काम करने के लिए बड़े मशीन यूज़ किया जाता है, और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, बहुत दिन चलता है। इसका आर्मेचर बहुत बड़ा होता है, इसमें समता भी बहुत बड़ा होता है। तो आपको बड़े बड़े जो काम है उस काम के लिए 5 इंची ग्राइंडर यूज़ किया जाता है। आपको आर्मेचर ओपन करने के लिए पहले गियर बॉक्स को ओपन करना है, नहीं तो आप आर्मेचर ओपन नहीं कर पाओगे। आपको पहले खोलने के बाद दिखाएंगे। देखिए, मैंने गियर बॉक्स ओपन कर लिया है, और गियर बॉक्स ऐसे देख के लग रहा है बहुत दिन से इसको साफ सफाई नहीं किया हुआ, ग्रीस भी सूख गया है। देखिए, इसमें छोटे छोटे 2 स्क्रू है, इसको पहले आपको खोलना है। ये छोटे 2 स्क्रू खोलने के बाद आपको पीछे एक स्क्रू है उसको भी खोलना है। आपको दिखाते हैं, देखिए पीछे ऐसे एक स्क्रू देखने को मिलेगा आपको, इसको पहले खोलना है। तो 3 स्क्रू होता है, उसको खोलने के बाद आर्मेचर ऐसे ओपन हो जाएगा। देखिए, मैंने मशीन का हर पार्ट खोल लिया है। पहले हम आर्मेचर को ओपन करेंगे। जो गियर हो, गियर ओपन करने के लिए आपको जो गुटी रेंज है ऐसे कुछ आप रैचेट रहेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको 13 नंबर जो रैचेट है, रैचेट में आप गुटी फिट करके ऐसे इजीली ओपन कर सकते हैं, और इसी से खोलने से आपका जो नाट है ना वो ख़राब नहीं होगा। आपके पास ऐसे कुछ पुलर रहेगा तो आपका जो बैरिंग है खोलने में बहुत आसानी होता है। तो हम आपको खोल के दिखाते हैं। मेरा ये जो पुलर है ना बहुत पुराना है, मेरे को दिक्कत होता है थोड़ा बहुत खोलने में, बहुत साल से इसको काम कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे करके बैरिंग ओपन कर लेना। हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों को काम सिखाने के लिए, तो हम कोशिश करते हैं आप जल्दी से जल्दी काम सीख जाओ। और आपको कुछ चीज़ में दिक्कत हो रहा है, आपको सीखना है, तो मेरे को मैसेज करिए, तो हमको बताने, मैं आपको जितना हो सके आपको कोशिश करेंगे बताने की। आप जब भी पीछे वाला बैरिंग ओपन करें तब आपको जो फाइबर है और फाइबर के बीच में जो बैरिंग है, बैरिंग के बीचों बीच आपको पुलार को कसना है, नहीं तो क्या होता है फाइबर ख़राब हो जाएगा, फाइबर से आप पकड़ोगे तो। हम कभी कभार गलती कर देते हैं, हम
प्लास्टिक के ऊपर पुलार फंसा लेते हैं, तब क्या होता है, प्लास्टिक ख़राब हो जाता है, तो आपको उस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ये हाथों से नहीं निकाल रहा है, इसको पुलार से खींचना पड़ेगा। आपको काम वक्त करने वक्त आपको सावधानी से करना है, तो आपको जो भी सामान आपको धीरे धीरे करके खोलना है, तो आपका सामान ख़राब हो जाएगा तो आप जल्दी जल्दी खोलेगा तो उसको क्या होगा, ये फाइबर ख़राब हो जाएगा तो आपको जो देखो हार जो पार्ट कंपनी ने देता है ना कुछ काम के लिए देते हैं, तो हम उसको रिपेयर करने के लिए धीरे से खोलना है और धीरे से जैसे खोले है ऐसे फिट करना है। ये 5 इंची ग्राइंडर होता है ना, सभी में एक ही आर्मेचर फिट होता है। जो आर्मेचर आपको CM4 काटिंग मशीन आर्मेचर जैसा ही देखने को मिलेगा, CM4 नहीं, CM4 SB। हम गियर बॉक्स के जितने खराब ग्रीस है उसको हम पहले साफ सफाई कर लेंगे। देखिए जो पहले आपको इसको आर्मेचर में फिट करना है, उसके बाद ऑयल पैड है उसको आपको देना है। इसमें तो ऑयल नहीं डालते, इसमें ऑयल पैड का काम होता है जो धूल होता है ना वो बैरिंग में ना जाए, बा ग्रीस भी होता है ना वो तो आर्मेचर में ना आए, इस वजह से इसको लगाता है कंपनी। जो ये बैरिंग का नंबर है 6200। अब गियर फिट कर लेना, उसके ऊपर जो छोटे नाट है उसको भी हम सेट कर लेते हैं। पहले जैसे हम खोले थे ऐसे करके हम उसको कस लेंगे। देखिए मैं कुछ भी काम करता हूँ ना अलग से करने की कोशिश करता हूँ, मेरे को खुशी मिलता है, आपको भी पता है, मेरे जितने भी वीडियो है आपको अलग ही देखने को मिलेगा। मेरे पास बहुत सारे टूल्स नहीं होते हैं, थोड़े बहुत है उसी से हम काम कर लेता हूँ, तो काम करने के लिए ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत नहीं होता है। आपका जो दिमाग है ना उसको आपको किस में आपको कौन चीज़ कैसे खोल जाएगा उसको आपको ध्यान देखना है, तो आप ऐसे करके खोलोगे तो आपको सामान ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सामान से भी आप काम कर सकते हो। हम और एक वीडियो बनाएंगे आपका पावर टूल से काम के लिए, आप कौन सी बैरिंग ज़्यादा खरीद के रखोगे तो आपको काम करने में आसानी हो जाएगी, उसका वीडियो आपको बना के दिखाएंगे। आर्मेचर के पीछे वाला जो बैरिंग होता है कॉमन बैरिंग होता है 608 जो बैरिंग होता है ना कॉमन होता है हर मशीन में, उसमें वो बैरिंग ही फिट होता है। आप ऐसे करके फिट कर लेना, फिट करने के बाद आपको जो छोटे छोटे स्क्रू खुले थे 3 उसको अभी आपको सेट करना है। आपको नाटों को सेंटरिंग कर लेना है, उसके बाद छोटे छोटे जो नाट है उसको आप कस लेना, कस लेने के आपका आर्मेचर फिट हो जाएगा। हम आपको करके दिखाते हैं, देखिए अब ठीक से कस लेना नाट को।
देखिए कितना बढ़िया से बैरिंग मूव कर रहा है। उसके बाद हम मशीन को साफ सफाई करने के बाद फिट कर लेंगे। उसके बाद हम जो चारों छोटे छोटे स्क्रू होता है उसको हम फिट कर लेंगे पेचकस से मदद से। देखिए हम आपको धीरे धीरे करके दोनों साइड से नट को कसना है। मेरे दुकान पे जितने भी काम आएंगे, हर काम तो आपको कर नहीं पाएंगे, वीडियो करने में बहुत टाइम लगता है और कस्टमर भी बैठा रहता है, तो जितना हो पाए हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। पहले मशीन में मैं रात को खुला था, थोड़ा बहुत काम था, इस वजह से इसको छोड़ के रख दिया था। सुबह उसको भी मैं फिट किया हूँ, इसलिए आपको दोनों पहले रात को भी आपको वीडियो मिलेंगे और सुबह भी आपको देखने को मिलेंगे। आप लकड़ी से ठोक के इसको सेट कर लेना। हाथों से घुमा के देख लेना, बढ़िया से मूव कर रहा है। उसके बाद हम मशीन में कार्बन फिट कर लेंगे। इसमें मैंने बहुत पहले बॉस कंपनी का जो CM4 कार्बन है, आपको मार्केट में 50 रुपये में मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया है। उसको आप मशीन में फिट करोगे तो आपका आर्मेचर बहुत ज़्यादा दिन चलेगा, 2-3 साल चल सकता है। ये मशीन में हमें फिट किया था, 2 साल चल रहा था। ये कार्बन के वजह से आर्मेचर नहीं ख़राब हुआ है। ये ख़राब होने का कारण कार्बन फिट हो गया। उसके बाद हम आपको चला के दिखाएंगे। पहले हम देखिए आपको चला के दिखाते हैं। देखिए देखिए आपको स्पार्क नहीं दिखा दिया, मशीन बहुत बढ़िया से चल रहा है। उसके बाद हम गियर बॉक्स में ग्रीसिंग करने के बाद मशीन को फिट करके भी आपको चला के दिखाएंगे। उनको आपको बाद में गियर चेंज करने की वीडियो भी आपको दिखा देंगे। सामने वाला इसका बैरिंग ठीक है, इसलिए हम इसको गियर को ओपन नहीं किया है। देखिए गियर छोटे छोटे जो नाट है उसको कसने के बाद आपको हम चला के दिखाएंगे कितना बढ़िया से मशीन चल रहा है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आप अच्छे से टाइट कर लेना।